क्या आप कभी किसी ऐसे एवरग्रीन इंसान से मिले हैं जो अपने 70s और 80s में भी बिल्कुल यंग स्किन रखता है, जिसके चेहरे पे कोई फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगी स्किन या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ना हो? नहीं ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एजिंग हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ आता है। बट नाउअडेज क्या हो रहा है कि हमें अर्ली 20s में ही ये सारे सिम्टम्स अपने चेहरे पे दिख रहे हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। बात करेंगे कि एजिंग को हम कैसे डिले कर सकते हैं, क्योंकि एजिंग को हम देखिए रोक नहीं सकते, कोई भी एवरग्रीन नहीं होता। टाइम के साथ साथ सबको ये साइंस अपने चेहरे पे, बॉडी पे दिखेंगे ही, बट हम इसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो रेमेडीज शेयर करूंगी, जिसमें एक टोनर है और एक सीरम है। प्लस बात करेंगे हम कुछ एक ऐसी हैबिट्स की जो हमें अपनी लाइफ से हटानी है, जिस वजह से हमें अर्ली एजेस में ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So, आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एजिंग के बारे में। एजिंग देखिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। इतना पावरफुल अभी तक कुछ भी नहीं आया दुनिया में जिसमें आप एजिंग को एक जगह पे कॉन्स्ट्रेंट कर दे। देखिए, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे होंगे कि जिनकी स्किन पे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस नहीं होती 80s 70s में भी। रीज़न क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बोटॉक्स एंड फिलर्स करवाए होते हैं। तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो लिटरली आपको ऐसे बोटॉक्स वाला आपको बोटॉक्स वाला फीलिंग देगा। आपकी स्किन वैसी सी हो जाएगी कि यू विल फील कि आपने अपने चेहरे पे बोटॉक्स करवाया है। अब देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे फेस पे अर्ली स्टेजेस में लाइक प्रीमेच्योर एजिंग आने के। नंबर वन इज स्लीपिंग स्केड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। देखिए, आप अगर सोकर उठते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत फ्रेश फील करते हैं ना, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड स्लीप। लेकिन 8 से 9 घंटा या 10 से 12 घंटा सोने के बाद भी अगर आपको सोके उठ के टायर्डनेस आती है, दैट मीन्स इट वॉज अ वेरी बैड स्लीप और आपका वो जो स्लीप साइकिल है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि सोते टाइम हमारी स्किन लिटरली अपने आप को हील करती है, लेकिन अगर एक गुड स्लीप नहीं आएगी तो आपकी स्किन कैसे अपने आप को हील कर पाएगी। सेकंड, जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये सिम्टम्स बहुत जल्दी उनके चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। फोर्थ वन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का कंजप्शन करते हैं, आप सन ब्लॉक अपने चेहरे पे नहीं लगाते। ये कुछ एक मिनिमल से रीजंस है जो अगर आप अपनी लाइफ से हटा देंगे तो आपकी एजिंग जो है वो थोड़ी डिले हो जाएगी। फर्स्टली, अगर आप अपनी स्किन पे ना मॉइस्चराइजर, टोनर एंड सन ब्लॉक एंड एक मास्क वीक में, अगर ये चार चीज़ें आप वीक कंटिन्यूसली अपने लिए करते हैं, मास्क आप वीक में चाहे एक या दो बार ही लगाइए, बट ये जो तीन चीज़ें लाइक मॉइस्चराइजर, टोनर एंड सन ब्लॉक, अगर आप रेगुलर डे पे बहुत रिलीजियसली अपने लिए करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स। हमारी फर्स्ट रेमेडी में हम बनाने वाले हैं एक टोनर। आई डोंट नो टोनर को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है, जबकि टोनर के सिर्फ एक एक वो वाटर अप्लाई करने से आपकी स्किन रिफ्रेश दिखती है, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते और आपके चेहरे को जो हाइड्रेशन मिलता है कि आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती टोनर के बाद। इतना रिफ्रेशिंग आपका वो नेचुरल सा लुक आ जाता है चेहरे पे। तो इस टोनर को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैमोमाइल फ्लावर को। एंड ये फ्लावर ना, ये सिर्फ आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब जैसे मैंने बात करी स्लीपिंग के बारे में कि स्लीप साइकिल आपका अच्छा रहना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं नींद आती। क्योंकि मुझे नींद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, आई एक्सपेरिमेंटेड इन मैनी वेज कि किस चीज़ को खाकर या पीकर मुझे बेटर स्लीप आ सकती है। तो उसके लिए आई टुक दिस फ्लावर। इसको बस आपने टी बनाना है बॉयल करके, एंड आप सोने से पहले एक ड्रिंक पी लीजिए, एंड ये आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा, आपके स्टमक एक को कम करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एंड जो नींद आएगी वो तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज़ से। तो अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो आप ये भी अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। स्किन के लिए इसके बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं तो ये एक मैजिकल चीज़ है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, आपके स्किन को पूरा रिफ्रेश और सफल बनाता है। तो टोनर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैमोमाइल फ्लावर
टी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल सा है एंड इसका जो फ्रेगनेंस है और इस टी को आप किसी और अदर टी से रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें कि जो ब्रांड मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आप यही वाला ले लीजिए, स्पॉन्सर्ड नहीं है। बट क्योंकि मैंने भी पहले दो डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए थे एंड उसमें लिटरली कीड़े आए थे अंदर छोटे छोटे से, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था एंड इसमें रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। तो मेक श्योर करें कि आप यही वाला लें एंड इसका जो फ्रेगनेंस है ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे बेस्ट फ्रेगनेंस वाली कोई और टी हो सकती है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। आपको क्या करना है, एक से दो कप जितना भी आपको टी चाहिए उतना आपको पानी ले लेना है एंड आधा आप टोनर बना लेंगे और बाकी बचे हुआ आप उसको कंजप्शन भी कर सकते हैं। उसमें हल्का सा लेमन या जो भी आपको पसंद है वो हनी ऐड करके आप उसको एज अ टी भी पी सकते हैं। एंड जब ये हल्का हल्का उबलने लगेगा ना 5 से 10 मिनट में, 2 चम्मच आप इसमें ले लीजिए, तो जो वो फ्रेगनेंस आएगा वो लिटरली आपकी जो एंग्शियसनेस है, आपकी बॉडी में जो भी ऐसे स्ट्रेस वाला फैक्टर है ना, उसको धीरे धीरे काम करने लगेगा। आपको सारी चीज़ें अपने आसपास अच्छी लगने लगेगी। आई डोंट नो टोनर को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है, बट आप देखिए जब भी आप अपने स्किन पे कोई भी एप्लीकेशन करते हैं टोनर को हम सबसे पहले लगाते हैं। टोनर हमारे पोर्स को ना हल्का हल्का बंद करता है ताकि जो उसके बाद हम केमिकल्स अपने चेहरे पे लगा रहे हैं ना उससे हमारे पोर्स क्लॉग ना हो। तो मेक श्योर करिए कि जो भी आप टोनर लगा रहे हैं वो नेचुरल लगाओ, आपके पोर्स को कुछ नेचुरल चीज़ मिलेगी तो पोर्स तो खुश ही होंगे ना। तो आपने टोनर अपने उसमें स्किप नहीं करना है स्किन केयर में, आपका ये फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली होना चाहिए जब भी आप अपना कोई भी मेकअप या कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हैं। जब टी बन जाए उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए, स्प्रे बॉटल में डालिए। स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन से भी लगा सकते हैं। अब जब भी आप टोनर लगाएं ना इसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। अगर आप घर पर ही हैं तो दिन में इसको 4 से 5 बार, जितने भी बार आप अपना फेस क्लीन करते हैं उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन अपने फेस पे लगाइए एंड अपने फेस को आपने हल्का हल्का स्लैप करना है। इसको स्लैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं कोरियन स्किन केयर में। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, इंक्रीज होता है पूरा ब्लड सर्कुलेशन एंड वो प्रमोट करता है कोलेजन सिंथेसिस हमारी स्किन में, जिससे हमारी स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है। सेकेंड रेमेडी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑरेंज पील पाउडर। 2 स्पून ऑफ ऑरेंज पील पाउडर आपने ले लेने हैं। अगर आपके पास पील्स नहीं है तो आप नॉर्मल ऑरेंज का जो ग्रीन वाला पील होता है ना वो भी ला सकते हैं और सेम प्रोसेस करना है आपने उस पर भी। उनको हल्का हल्का आप ग्राइंड कर ले या बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, बट उसे आप ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। लेकिन जो ड्राइड लीव्स हैं उसको आप ऐसे 1 से 2 घंटा तक सोक करके रखें एंड यू विल गेट योर डिकॉक्शन। ऑरेंज जो होता है वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी रिच होता है एंड विटामिन सी हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस और एजिंग लाइंस के लिए बेस्ट है। एंटीऑक्सीडेंट्स, कोलेजन प्लस विटामिन सी, ये 3 चीज़ें सफिशेंट है हमारे एजिंग के साइंस को दूर भगाने के लिए। 2-3 घंटे तक आप इसे ऐसे ही ढककर रख लीजिए। जब ये हो जाए 2-3 घंटे बाद, उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में आना है जिसमें आपको चाहिए घर का बना हुआ फ्लैक्सीड जेल या एलोवेरा जेल, पर घर का होना चाहिए एंड एक कंटेनर जिसमें आप ये सीरम अपना इकट्ठा करके रखेंगे। अब देखिए फ्लैक्सीड जेल कैसे बनाना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी अगर आपको नहीं आता है बनाना, और अगर आता है तो आप बना लीजिए फ्लैक्सीड जेल, उसको स्टोर कर लीजिए। मैंने पहले से बनाया हुआ था तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा फ्लैक्सीड जेल लिया, उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एंड उसके बाद जो मैंने वो ऑरेंज वाला बनाया था डिकॉक्शन उसको स्ट्रेन करके मैंने उस फ्लैक्सीड जेल में मिला दिया। अभी क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी यहाँ पे, आप इसे बड़े बर्तन में लीजिए एंड वो हाथ से स्पून से मिक्स नहीं होगा अच्छे से। यू कैन सी कि ये कैसे जेल है, ये पूरा आ ही नहीं रहा है हाथ में। तो आप या तो फ्रॉदर ले लीजिए या फिर आप ग्राइंडर में इसको अच्छे से एक गुड सा स्टर आप दे दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में बना, बट जब वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा ना तो वो बिल्कुल सीरम वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जैसा आप मार्केट बेस्ड लेते हैं। अब देखिए ऐसे ये मिक्स नहीं हो रहा है तो आप फ्रॉदर का यूज़ ज़रूर यहाँ पर करें एंड उसके बाद इस सीरम को आपने लगाना है अपने सेकेंड स्टेप के बाद। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास डिकॉक्शन बचा था ना, जिसमें हमने ऑरेंज पील को सोक किया था, उस डिकॉक्शन का हम यूज़ करेंगे। कैसे, आई विल टेल यू।
ये जो ऑरेंज का डिकॉक्शन हमारे पास वेस्ट जो बच गया था इसे हमें फेंकना नहीं है। इसमें आप ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ चावल का आटा एंड उसे मिक्स करेंगे उसी वाले जो कैमोमाइल टी था ना। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई, जो ये हमने ऑरेंज पील सोक करी थी वो हमने कैमोमाइल टी जो हमने बनाई थी ना वो उसी टोनर में आपने मिक्स करनी है। ऐसा नहीं कि कोई और पानी आपने ला के रखना है, टी में ही आपने मिक्स करना है। एंड इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसे अपने फेस पे एज अ मास्क आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। 5 से 10 मिनट तक रखिए एंड उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना स्मूथ आपकी स्किन को कर देगा ना कि यू विल फील कि वाह यार ये क्या, मतलब 2-3 स्टेप्स ही करें, हमने वेस्ट भी कुछ नहीं किया एंड हमें इतना अच्छा ग्लो भी अपने फेस पे मिल गया। जब ये आप सेकेंड स्टेप कर ले तो थर्ड स्टेप में आपने उस सीरम का एप्लीकेशन अपने लिए करना है। तो मेक श्योर करें कि आप इवनिंग टाइम में ये चीज़ें अपने लिए करें, क्योंकि नाइट में स्किन अपने आप को रिपेयर भी करती है। तो आपको 2-2 बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि आपका स्किन का ग्लो भी वापस आ जाएगा और नाइट में अपनी स्किन भी आपको थैंक यू बोलेगी कि चलो यार तुमने कुछ तो किया। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें अपने लिए प्रिपेयर करनी है। So that's it for today's video. I hope you liked it. Plus, इसको जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। आप 1 वीक तक ट्राई करें, यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। आपको ये जैसा जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली ऐसे ऐसे इसको बनाएं, अपने लिए ट्राई करें। एंड अगर आपको स्लिपिंग प्रॉब्लम है तो वो टी भी एग्जैक्टली ऐसे बनाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग कि हर एक स्किन सुंदर है, परफेक्ट है, किसी को भी कलर का या यू नो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है अगर आप खुश हो। तो आपको ऐसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है ना उनका कॉन्फिडेंस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए रेमेडीज़ के साथ, कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए करिए, अपनी ब्यूटी को सिर्फ एनहांस करिए। ऐसा नहीं सोचना है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड और वैसा वाला कभी भी अपने दिमाग में ना लाइए, क्योंकि दुनिया क्या बोलती है ना उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अंदर क्या सोचते हैं वो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। तो अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा रेमेडीज ट्राई करिए एंड दैट्स इट। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।